भारत मालदीव के बीच हालिया तनाव के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू ने चीन का दौरा किया। चीन के दौरे के बीच मुइजू ने अपने संबंध जिनपिंग के साथ बढ़ाया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मुइजू को अपना करीबी साथी बताया है। द ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में संबोधन के दौरान जिनपिंग ने मोहम्मद मुइजू को अपना पुराना दोस्त कहा, लेकिन जिनपिंग के ये दाव पेच मालदीव के जरिए अपने हित साधने के लिए है। माना जा रहा है कि चीन हिंद महासागर में निवेश करना चाहता है और इसके लिए वो मालदीव को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अब इस बीच एक सवाल उठता है कि क्या डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में मालदीव फंस रहा है? आपको बता दें, चीन अपने डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के लिए कुख्यात है, यानी वो देशों को कर्ज देता है और ना चुका पाने की हालत में उस देश पर अपनी मनमानी करता है। कई अफ्रीकी देश भी चीन की कर्ज के जाल में फंस चुके हैं। इसके अलावा भारत और मालदीव का पड़ोसी श्रीलंका भी चीन के कर्ज की वजह से दिवालिया होने की कगार पर आ चुका है। आपको बता दें, मोहम्मद मुइजू ने चुनाव से पहले इंडिया आउट का नारा दिया था। इस नारे की बदौलत ही वो चुनाव जीत पाए। उन्होंने देश की जनता के मन में भी भारत की छवि खराब करने की कोशिश की। चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपने नारे को भूलना था, इसलिए उन्होंने चीन में निवेश की मांग की ताकि जनता को दिखाया जाए कि चीन उनका हितेशी है। लेकिन चीन कर्ज और निवेश का बहाने कोई और ही चाल चल रहा है। जानकार मानते हैं कि मालदीव इस वक्त धर्म संकट में फंस चुका है। देश के पर्यटन में भारी गिरावट आने की उम्मीद है, क्योंकि भारत के लोगों ने मालदीव का बहिष्कार कर दिया है। और दूसरी ओर मालदीव में विकास की धीमी रफ्तार के बावजूद चीन के भारी भरकम कर्ज का भार आ सकता है। आपको बता दें, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की ओर से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मालदीव ने कुल कर्ज का 60% हिस्सा चीन से लिया है। कर्ज देने वाले बैंकों में चीन डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना, एयरपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना शामिल है। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले, मालदीव और भारत भले ही तनाव के दौर से गुजर रहे हों, लेकिन मालदीव हर मुश्किल में भारत को सबसे पहले याद करता है। मालदीव के पूर्व विदेश मंत्री मारिया अहमद दीदी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारत मालदीव के लिए 911 जैसा है। आपको 911 का मतलब समझा दें, ये एक इमरजेंसी नंबर है। हम किसी भी मुसीबत में सबसे पहले उसे ही याद करते हैं, ऐसा मारिया अहमद दीदी ने कहा था। मालदीव में भारत से सबसे बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचते हैं। ये संख्या करीब मालदीव के कुल सैलानियों का आधा है। वही मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी है, इसलिए भारत के साथ मालदीव के बेहतर संबंध उसे चीन के कर्ज से निजात दिला सकता है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।